फिर से देखो, फिर से देखो, बस जी मम्मी सूख रही है रुमाल पे मेरे। बोला चावल उतार के बना। मम्मी बोलो ना बेवड़ा बोल। मम्मी बोल ना, नहीं बनाओगी खाना? खाली है तो कड़क चाहिए। सोयाबीन खाली चुरा गए, रोज नहीं गिराते, गिर जाते हैं ना, रोज गिराते। अभी मम्मी का गिर जाते हैं ना भाई, तो रोज मम्मी नहीं करते, गिर जाते हैं यार, मुझे गिराते मतलब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एक न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज बनने जा रही है काफ़ी स्पेशल डिश। बैकग्राउंड में देख सकते हो मम्मी रेसिपीज की तैयारी कर रहे हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स लगने वाले वो मम्मी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो गेस करो क्या बनने वाला हो, तो वीडियो में मैं आपको अभी बताने वाला ही हूँ, बट अब तक का जो मैंने क्लिप लिया उसके पहले गेस करना था। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ गाइस, ये महाराष्ट्र और गुजरात की बहुत ही ज़्यादा फेमस, बोलते ना नाश्ते टाइप में बोल सकते हो, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चलो मैं आपको बता देता हूँ गाइस, आज बनने जा रही है हमारे घर पे गुजरात और महाराष्ट्र की फेमस भाकरवाड़ी। और ये भाकरवाड़ी की रेसिपी आपको स्टेप बाय स्टेप मेरी मॉम बताने वाली है, तो वीडियो में आप लोग को एंड तक का बने रहना है ताकि आप लोग कोई भी चीज़ मिस ना करो, ठीक है। क्या क्या रेसिपी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ने वाले और स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले, तो वीडियो में जरा सा भी मिस मत होना, यहाँ वहाँ मत जाना, वरना ये बहुत ही बारीक चीज है, काफी ध्यान दे के आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं किचन में और हमारी मम्मी हो गई तैयार। और चेक दिस आउट गाइस, किचन में क्या क्या आइटम्स रखे हैं, मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ, बस आप देख सकते हो यहाँ पे। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट गाइस। तो यहाँ पे मम्मी देख सकते हो काफी सारे इंग्रीडियंट्स में लगने वाले हैं, जो कि मम्मी ने प्रॉपरली निकाल के रखा है थोड़ा 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 करके। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मम्मी बताएंगी क्या क्या डालना है, कितना डालना है ना मम्मी, बताऊंगी। हाँ तो वीडियो में बने रहना गाइस। तो गाइस सबसे पहले आप लोग को लेना है एक कटोरी मैदा, तो यहाँ पे मम्मी ने ले लिया एक कटोरी मैदा। अब इसको हम डाल देंगे थाली में, और इसके जगह पे आपको चाहिए तो आप आटा भी ले सकते, लेकिन अगर ज्यादा स्वाद चाहिए तो आप बेसन ही ट्राई करना, बेसन के साथ ही मजा आएगा। इसके बाद हम लेने वाले मैदा गाइस, आपको भी एक कटोरी लगभग मैदा लेना है। तो उसके बाद हम लेंगे अजवाइन, जो कि मम्मी ने अच्छे से हाथ में मिसल के मसल के उसको अच्छे से फैला के डाल दिया। और उसके बाद लेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, तो इसको अभी हम अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे गाइस। और अभी इसके अंदर डालने वाले हम तेल, जो कि लगभग आपको 4 चम्मच तेल ले लेना है इसके अंदर। तो गाइस ये हमारा चला गया तेल गाइस, आप लोग अपने अंदाजे से डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे मम्मी ने जो तेल की परी आती है उससे डाला है 2 चम्मच, लगभग आपका हो जाएगा 4 चम्मच तेल, छोटा चम्मच। तो इसमें पानी थोड़ा सा और हम ऐड करेंगे, और ये आटा आपका जो तैयार होगा वो एकदम सख्त होना चाहिए, मतलब थोड़ा जाड़ा टाइप में होना चाहिए, अगर ज्यादा सॉफ्ट होगा तो रेसिपी में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो आपको पानी उतना ही डालना है अंदाजे से, ताकि आपका आटा जो है प्रॉपर गूंद के सख्त हो जाए, मतलब एकदम कड़क हो जाए, ज्यादा नरम आपको नहीं करना, ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना। देख सकते गाइस हमारा आटा प्रॉपर अच्छे से गूंद गया है, और ज्यादा आपको सॉफ्ट नहीं करना है, क्योंकि आपकी भाकरवड़ी प्रॉपर नहीं बनेगी गाइस, ठीक है, आपको थोड़ा सख्त ही रखना है आटा। अब इसके बाद की रेसिपी आप लोग को मैं बताता हूँ। तो गाइस हमने आटे को अच्छे से एक कपड़े से अच्छे से ढक दिया रुमाल से, ताकि ये प्रॉपर अच्छे से फूल जाए, और 15 से 20 मिनट के लिए आपको इसको रखना है, तब तक हम रेडी करते हैं उसका मसाला। तो मसाले के लिए यहाँ पे हमारे काफी सारे इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं मसाला कैसे बनता है गाइस। तो गाइस यहाँ पे हमारा चढ़ गया है पैन, और अब बनेगा अपना स्पेशल मसाला जो कि भाकरवाड़ी में पड़ने वाला है। सबसे पहले जीरा, और ये हम डालेंगे खड़ी धनिया, उसके बाद जाएगी हमारी हरी सौंफ, उसके बाद डालेंगे हम वाइट तिल, तो अभी यहाँ पे हम डाल रहे हैं पीसा हुआ खोपरा, और ये हमने 2 चम्मच ऐड किया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे पहले। तो ये हमारा मसाला प्रॉपर अच्छे से भून गया है, अब इसके अंदर हम डालेंगे मटेरियल, जो कि हमने अदरक को कद्दूकस करके अच्छे से डाल दिया है। आपके घर पे अगर सौंठ होगा तो वो भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सौंठ मतलब पिसा हुआ जो अदरक पाउडर होता है वो भी आप डाल सकते हो। अब इसके बाद हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, अब उसके बाद डालेंगे लगभग हम 1.5 चम्मच भुक्की मिर्ची पाउडर, उसके बाद जाएगा हमारा स्वाद अनुसार नमक, लास्ट हमारा बचा है हींग, जो कि इसके अंदर जाने वाला है। तो हींग आप लेना है लगभग छोटा चम्मच ले सकते हो, लगभग आपको 2 से 3 मिनट इसको भूनना अच्छे से। तो अभी हमारा मसाला देख सकते हो प्रॉपर रेडी हो चुका है, अब इसको आपको 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे हमारा मसाला प्रॉपर ठंडा हो चुका है, अब इसको हम ले लेंगे मिक्सर की डब्बी में। तो हमने मसाले को अच्छे से पीस लिया गाइस, देख सकते हो काफी अच्छा मसाला यहाँ पे दिख रहा है, और आपको दर भरा पीसना है, ज्यादा बारीक भी नहीं करना है, और इसकी स्मेल तो वाओ। तो यहाँ पे हम लेंगे 3 चम्मच लगभग चीनी,
क्योंकि भाकरवाड़ी में जो प्रॉपर टेस्ट आता है गाइस वो चीनी से आता है। तो ये चीनी को भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो चीनी हमने पीसी थी वो हम इसके अंदर मसाले में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आटा था काफी टाइम से 15-20 मिनट से हमने रख दिया था, अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल गाइस अच्छे से। और ये ऊपर से आपको ऑयल डालना है ताकि आपका जो भाकरवाड़ी बनने के बाद जो ऊपर का जो टेक्सचर होगा वो काफी मतलब क्रंची और काफी कुरकुरे टाइप में हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप ये जरूर ट्राई करना। अब इसको हम एक बार फिर से अच्छे से गून लेंगे ताकि जो ऑयल है वो पूरे आटे में अच्छे से लग जाए। तो जितना आपके पास आटा रेडी है उसके हिसाब से आप छोटा छोटा इतना पीस में कट कर लेंगे और इसको अच्छे से हम गोल शेप में करके अच्छे से पहले बेल लेंगे गाइस। तो आपको ये टेक्निक से बेलना है गाइस, अच्छे से कोना कोना आपको अच्छे से बेलना है, ठीक है। इतना बड़ा साइज आपको करना है, ज्यादा पतला भी नहीं करना है, ज्यादा मोटा भी नहीं करना है, जाड़ा भी नहीं करना है, और ज्यादा आपको बीच में से भी नहीं लेना। कॉर्नर कॉर्नर से आप देख सकते हो, कॉर्नर कॉर्नर से आपको लेना ताकि आपका जो चोकर प्रॉपर दिखे, दिखकर आए। ये दो साइड का हो गया और ये तीसरे साइड का गाइस, चेक दिस आउट। तो ऐसा चोकर टाइप में आपको कटिंग कर लेना गाइस। तो गाइस हमने अच्छे से वहां पे देख सकते हो अच्छे से बेल चुका है। अब इसके ऊपर हमें डालना है इमली की चटनी। तो अभी हम इमली की चटनी की रेसिपी देखते हैं गाइस कैसे बनती है। यहाँ पे देख सकते हो हमारा इमली चला गया और उसके साथ पानी चला गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा गुड़ क्योंकि मम्मी ने ऑलरेडी निकाल के रखा है। तो ये हमारा चला गया गुड़। तो इसको हम स्लो फ्लेम में अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे गाइस। तो गाइस यहाँ पे हमारी इमली की चटनी जो है प्रॉपर हमने कुक कर लिया और इसको अच्छे से छान लिया छन्नी से, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगा कुछ मसाले, ये झटपट चटनी आप बना सकते हो। तो ये हमारा गया जीरा पाउडर गाइस, ये हमारा गया लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लेंगे काला नमक और थोड़ा सा ऐड करेंगे सादा नमक, थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे गाइस गरम मसाला। तो गाइस ये हमारी चटनी हो चुकी है प्रॉपर रेडी। अब ये चटनी जो है हम प्रॉपर इसके अंदर फिल कर लेंगे गाइस। ये आपको कॉर्नर थोड़ा छोड़ना है गाइस ताकि आपको फोल्डिंग करना पड़ेगा, तो फोल्डिंग के लिए आपको ये कॉर्नर थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा प्रॉपर हमने फिल कर लिया है, थोड़ा ये तरफ कम लग रहा है तो ये साइड में थोड़ा और ऐड कर लेंगे। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे गाइस अच्छे से मसाला प्रॉपर। आपको चारों तरफ पूरा हर एक तरफ आपको मसाला फैला देना है और आपको मतलब एक तरफ ज्यादा नहीं डालना, मतलब जैसे ये है प्रॉपर आपको ऐसा इसको फैला देना गाइस, इकट्ठा इकट्ठा नहीं करना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मसाला प्रॉपर डाल लिया। आपको क्या करना है, बेलन लेना है और हल्के हाथों से आपको अच्छे से बेल देना ताकि आपका मसाला जो है वो अच्छे से उसमें चिपक जाए, अपनी जगह बना ले। अच्छे से उसको फोल्ड करेंगे, आराम आराम से उसको फोल्ड करेंगे गाइस, ठीक है। और आपको टाइट फोल्ड करना है, आपको मतलब ऐसा गोल पूरा राउंड के हिसाब से आपको पूरा टाइट फोल्ड करना है, ठीक है। टाइट इसलिए फोल्ड करना है ताकि आपका जो मसाला है वो प्रॉपर अच्छे से और टाइट हो जाए और अच्छे से फिल हो जाए। स्लोली स्लोली आप इसको फिल करके पूरा रोल बना लेंगे गाइस, ठीक है। तो ये हमारा रोल बन चुका है गाइस। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें पकड़ ले, लगा लिए मम्मी ने, उसको अच्छे से प्रेस करते हुए चिपका लेंगे। तो इसको हम अच्छे से प्रॉपर साइज में ले सकते हैं, जो साइज में आपको भाकरवाड़ी बनानी है। तो यहाँ पे हम मम्मी थोड़ा उसको बेल के लंबा कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो उसका साइज जो है थोड़ा छोटा हो जाए। अब ये जो कॉर्नर का पार्ट है गाइस ये देख सकते हो, इसमें मसाला फिल नहीं हुआ है तो इसको हम काट के बाहर कर देंगे। तो ये देख सकते हो साइड से हमारा भाकरवाड़ी का पूरा शेप आ चुका है। तो इसको हल्के हल्के हाथों से आपको काटना है गाइस, ज्यादा ताकत नहीं लगाना है। तो गाइस आप अपने हिसाब से शेप में काट सकते हो, काफी प्यारा दिख रहा है दिखने में, आप देख सकते हो साइड से कितना प्यारा दिख रहा है। तो चेक दिस आउट गाइस, ये जो शेप है वो शेप आप हाथ से प्रॉपर बना लेंगे, ठीक है, और काफी प्यारा दिख रहा है, देख सकते हो गाइस बहुत ही प्यारी साइज में आ गया पूरा भाकरवाड़ी। अब इसको हम सिर्फ तलना बाकी है हमारा। तो ये हमारी भाकरवाड़ी गाइस तैयार हो चुकी है अच्छे खासे शेप में, और यहाँ पे हमारा चढ़ गया पैन और ये जा रहा है तेल। तो आपको तेल गाइस इतना लेना है ताकि आपकी भाकरवाड़ी जो अंदर अच्छे से कुक हो जाए, क्योंकि ये पूरी की तरह ऊपर बाहर नहीं आने वाले, ये आएगा जो है अंदर ही अंदर ये पकने वाला है गाइस, ठीक है। और बाकी की जो पेंडिंग है वो मम्मी साइड बाय साइड बनाते रहेंगे, उसके पहले मैं आपको ये भाकरवाड़ी तल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो तेल गर्म होने के बाद हम डालेंगे भाकरवाड़ी, एक ट्राई करके देखते हैं गाइस तेल गर्म हुआ कि नहीं, और बुड़बुड़े आ रहे हैं, मतलब तेल गर्म हो चुका है गाइस। तो हमारा जितना भी भाकरवाड़ी हम इसके अंदर डाल देंगे, और आपको एक चीज का ध्यान देना है, आपको एक साथ में भर भर के नहीं डालना है, ठीक है। आपका पैन जो साइज का रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको एक टाइम पे 12-15 उसके ज्यादा नहीं डालना आपको, ठीक है, उससे ज्यादा डालना ही मत। और हमारी माता जी बना रही है भाकरवाड़ी, फिर से देखो बस। और देख सकते हो काफी अच्छा इसका जो ऊपर का कलर है
आ चुके हैं, काफी अच्छे कलर में बन चुका है ये, प्रॉपर भाकरवाड़ी के कलर में आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए हम लेंगे हमारे बड़ा छन्नी। चेक दिस आउट गाइस, काफी प्यारी कुरकुरे टाइप में निकली अपनी भाकरवाड़ी। और काफी हद तक का ये जो टिप्स हमने बताई है भाकरवाड़ी बनाने की, बहुत ही प्यारी है। आप लोग एक बार जरूर इसको ट्राई करना अपने घर पे, आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे दुकान के मतलब जो फैक्ट्री होती है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भाकरवाड़ी बनती है, प्रॉपर वैसी भाकरवाड़ी बन के मिलेगी आपको। ठीक है, अभी जस्ट सोकर उठाइए। सो के उठने के बाद कितना प्याला निकलो, हथौड़ा सबको मारता, तुम हथौड़े के खा लेते हैं। जी मम्मी सूख रही है रुमाल पे मेरे। सुनता नहीं तो पेवड़ा देवड़ा बेवड़ा चावल उतार के बना। गाइस सुनता होली में भांग पीने वाली है, बना ना अभी लेट नहीं। उठो उठो मादर थक के ले जाओ। उठो उठो हाँ तो बाबा काम करना है, हटो तो बाबा काम करना, बाबा रे बाबा। गाइस चुरा फिरा के खा रही है देता है चोर नहीं। अरे मोरनी बोल रहा था वो इमली लेके आना, उसको पी लेना, वो फायदेमंद हो। तुम पियो रोटी ने स्टॉप चावल। मम्मी बहुत नहीं बनाओगी खाना ये भाई, वो टावर धोने में डालना, थुकरी थी वो धोने में डालना, थुकरी से तो थुकरी नाक बांध के मेरे मुंह में जो जगह फू फू करके थुक रहे थे मेरे सामने। रोटी में नंबर वन हो तुम, मुझसे नंबर वन डाले थे कुछ भी रहे, मुंह में घुस रहे तो सोयाबीन बना रही है। जब दीपक गुजा निकाला था नाक का तभी बराबर है, खाली है तो कड़क कड़क चाहिए। सोयाबीन खाली चुरा गए थे मम्मी, गिराने की तकलीफ लिए मम्मी। देखो कैसी है, निकालो ना। क्यों नहीं गिराओगी तो जबरदस्ती आइडिया है। रोज नहीं गिराते, गिर जाते हैं ना। रोज गिराते, अभी मम्मी का गिर जाते हैं ना। अरे तू रोज मम्मी नहीं करते गिर जाते हैं, जान मुझे गिराते मतलब नहीं। देख ले भाई रोज जान मुझके गिराती है बर्तन। देखे मम्मी, मम्मी तो देख रहे सुन भी रहे, देखे जा गाइस भी देख रहे। गाइस मैं ना उधर देख, इधर देख। क्या बोलती मम्मी मैं, भाई मेरा फोटो लगा देना थंबनेल में, आने का ना बनाने का ना थंबनेल में फोटो लगा। देखो मम्मी सब लोगों सुना रहे, सुनाओ मेरे को पूरा। क्रेडिट चाहिए क्रेडिट, कुछ क्रेडिट क्रेडिट नहीं चाहिए। मम्मी नहीं बनाऊंगी आप बोल दो। क्या भाजी का ले ले तो ना, अच्छा है ना भाजी का। नहीं तो भाजी का मेरा मेरा वीडियो बना रहे, बना ले ना क्या उसका कोई देखेगा नहीं, देखो नहीं। सब गायब, बोलो ना बस करने। पापा गाइस अपने अपने साइज की कढ़ाई चढ़ा दी इधर। और ये मम्मी के साइज की है क्या? बिल्कुल याद नहीं है साइज। इतना बड़ा देखो कुछ भी कर, मम्मी ज्यादा है कितना बड़ा। पूरा सोयाबीन फुला दीजिए को पीछे दे दो, पीछे के देखो इधर इधर पूरा सोयाबीन पूरा कैसे फुलाओगे। तो गाइस आप लोग बनाओ घर पे और कमेंट करके जरूर बताना घर पे कैसी बनी है। ठीक है, यहाँ पर बहुत स्वादिष्ट बनी, मैं आपको एक दो टेस्ट करके भी बता देता हूँ। ये देखो काफी प्यारी है और अंदर का मटेरियल का स्वाद बोले तो वाह एक नंबर आ रहा है। तो इसी के साथ ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम।